उसकी सुबह और बच्चों जैसी नहीं होती थी। उसकी सुबह होती थी हाथ में झाड़ू लेकर, उसकी सुबह होती थी सर में बड़ा सा गट्ठर लेकर लकड़ी का। जब वो जंगल से लकड़ी का बड़ा सा गट्ठर लेकर आती थी तो उसको ऐसा लगता था उसके पांव की जमीन धसे जा रही है, उसके पांव आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। जब गांव के बच्चे सुबह सुबह कंधे में बस्ता डालकर स्कूल को जाते थे तो वो अपने नंगे पांव और बिखरे बालों से छुप छुप कर उनको देखा करती थी। कर भी कुछ क्या सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती, बस दूर तक एकटक उनको देखते रहती थी। तू अभी तक यहीं खड़ी है? अपनी चाची की आवाज पर वो भाग कर अंदर गई। बहुत डरती थी अपनी चाची से। हाँ, वो अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी, उसकी दादी भी उसके साथ रहती थी, लेकिन दादी बीमार थी, उसने बिस्तर पकड़ रखा था और दोनों दादी पोती को बस चाचा चाची की बात सुननी पड़ती थी। वो घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, जंगल से लकड़ी लाना। उसके साथ साथ दादी बीमार थी, उसकी सेवा करती थी, उसकी मालिश करती थी, उसको नहलाती थी। और तब दादी पोती एक दूसरे के गले मिलकर बहुत रोती थी एक दूसरे की हालत पर कि ये क्या हो गया उनके साथ। हाँ, वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, क्योंकि महज जब वो 4 माह की थी तब उसके मम्मी पापा, उसके माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई थी, वो मारे गए थे। और तब उसकी दादी ने उसको बड़ा किया था, लेकिन जब वो 5 साल की हुई उसकी दादी को लकवा पड़ गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया और मजबूरन अब उसे अपने दूसरे बेटे के पास जाना पड़ा, जो सिर्फ जानता था तो सुनाना, मारना और कुछ नहीं। उसके चाचा चाची की दुकान थी, सुबह सुबह दोनों दुकान पर निकल के आया करते थे। वो दिन भर घर का काम करती। आज चाची ने दुकान जाते हुए उससे बोला, ये ले पैसे पकड़ और इनका इस गुड़िया के लिए दवाई ले आना, जाने कब तक ये पता नहीं मुझे झेलने पड़ेंगे दोनों। कहते हुए वो दुकान के निकली। उसकी चाची, हाँ आज दिन का खाना मत बनाना मेरे लिए, मैं रात को ही आऊंगी और रात के खाने की तैयारी करके रखना। कहते हुए उसकी चाची दुकान को निकल गई। उसके पैसे रखे और घर का काम निपटाने लगे, सारा काम किया घर का। और जैसे ही दवाई लेने के लिए घर से निकलने लगी और दादी से बोलने लगी कि वो जा रही है, तो दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बच्चे मुझे पता है तुझे अपने बाबा की तरफ पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे माफ कर दे मैं तेरा ये शौक पूरा नहीं कर पाई, लेकिन आज तुझे कसम है तो इन पैसों का अपने लिए 2 किताबें खरीद ला। उसने बहुत मना किया लेकिन आज दादी ने तो जिद पकड़ रखी थी। वो हर रोज कहा करती थी उससे लेकिन वो अनसुना कर देती थी, लेकिन आज दादी बोली, आज अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। उसने दादी कहते हुए दादी के मुंह पे हाथ रखा और दादी के गले में और कुछ बोली नहीं, घर से बाहर निकली और वहां से अपने लिए 2 किताबें खरीद लाई। आज उसने दादी की बात सुन ली, पढ़ने का शौक तो उसे था लेकिन उसे डर था कहीं उसे चाचा चाची को पता चल जाए तो उसे भी और दादी को भी बहुत मारेंगे, जो वो नहीं चाहती थी। किताबें खरीद लाई, जब भी उसे समय मिलता वो पढ़ती थी। हाँ, पढ़ना नहीं जानती थी पर देखा करती थी। अब वो जब सुबह घर का फटाफट से काम करती, जब चाचा चाची दुकान जाते
तो गांव के पास ही स्कूल था, वहां जाकर वो ऐसी जगह बैठती थी जहां से वो सिर्फ टीचर को देख सकती थी, टीचर उसको नहीं, और वो उसकी बातों को सुना करती, समझती थी और पढ़ती थी। थोड़ी देर ही वहां रुकती थी क्योंकि उसे पता था अगर उसके चाचा चाची को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, अगर गांव में किसी को भी पता चल गया तो चाचा चाची उसे बहुत मारेंगे। लेकिन एक दिन वो जब छुप के पढ़ रही थी तो स्कूल के टीचर ने उसे पकड़ लिया, देख लिया और उससे सारी बातें, सारी परेशानी पूछी। जब उसने अपनी सारी बातें टीचर को बताई तो टीचर ने उससे प्रॉमिस किया, उससे वादा किया कि वो यहाँ हर रोज आ सकती है और वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, अब वो खुश रहने लगी थी और दादी भी उसको देख देख कर। दादी की आधी बीमारी तो उसको खुश देख कर ही गायब हो गई थी। वो घर का काम करके हर रोज स्कूल आने लगी। हाँ, पूरे दिन स्कूल में नहीं रहती थी, बस 2-3 घंटे स्कूल में रहती और सीख के जाती 6-7 घंटे के बराबर। जितना और बच्चे अच्छा नहीं करते उतना वो अच्छा करती थी। लेकिन आज की बात कुछ और ही थी। आज गांव में हर किसी की जुबान पर उसी का नाम था। आज 12वीं का रिजल्ट आया था और उसने, हाँ उसी लड़की ने, अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। डिस्ट्रिक्ट तो टॉप किया ही था, उसके साथ साथ उसे स्टेट टॉपर भी घोषित किया गया था और वहाँ के राज्यपाल ने उसे मेधावी छात्रा का इनाम दिया था। वो बहुत खुश थी। जब उससे पूछा गया कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे तो पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने चाचा चाची को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो अगर मुझे पढ़ाई से वंचित नहीं रखते, मुझे उससे दूर नहीं रखते तो मैं शायद कभी भी इतना अच्छा नहीं कर पाती। वो होता है ना, हमें जिस चीज को करने को मना किया जाए उसी को करने की हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, और ऐसा ही मेरे अंदर भी हुआ। वो जितना मुझे उससे दूर रखते मैं उतना उसको जानने की कोशिश करती, और यही करते करते मैं इतना अच्छा कर गई। और दूर खड़े उसके चाचा चाची भी समझ चुके थे कि अगर हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा होना तो हम उसे कर ही लेते हैं, कितनी भी मुश्किलों के बावजूद। क्या तूफानों से डरकर कश्ती पार नहीं होती? बशर्ते कि कश्ती में तूफानों से लड़ने की हिम्मत और इंसान में मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत हो। तो इस तरह उसने अपना नाम किया, उसे सफलता मिली क्योंकि उसके अंदर एक आप थी कुछ करने की। हर किसी के अंदर होनी चाहिए कुछ करने की इच्छा, और उसको पूरी मेहनत के साथ अगर कोई करे तो उससे डेफिनेटली वो करेगा, पूरा करेगा। तो दोस्तों, ये थी उसकी कहानी जिसने मुश्किलों के बाद भी बहुत कुछ किया, बहुत सारी परेशानी के साथ भी अपना हौसला नहीं खोया और उसे लास्ट में सफलता मिली।